कि आप लोग देश की कितनी बड़ी सेवा कर रहे हैं, देश की कितनी बड़ी सेवा कर रहे हैं। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं और समस्त भारतवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, यदि सेना के एयरफोर्स नेवल फोर्सेज यदि देश को सुरक्षा प्रदान करने में अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, तो हमारे देश के वैज्ञानिकों का उनसे कम महत्व नहीं है, यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं। केमिकल तथा बायोलॉजिकल वेपन्स के यूज वो उसका थ्रेट फ्यूचर वारफेयर की एक पॉसिबल कंडीशन है, जिसकी मैंने अभी चर्चा की, जो वार के किसी भी स्टेज पर देश के फंक्शंस व इंफ्रास्ट्रक्चर को कभी भी किसी रूप में भी डिसरप्ट कर सकती है। केमिकल बायोलॉजिकल वेपन्स का इस्तेमाल लाइफ, हेल्थ, प्रॉपर्टी तथा कॉमर्स को भारी नुकसान पहुंचाता है, जिसे रिकवर करने में एक बहुत लंबा समय लग सकता है, और इस बात की गारंटी भी नहीं दी जा सकती कि इसके कारण जो क्षति होगी वो पूरी की पूरी तरह रिकवर भी हो जाएगी, इस बात की गारंटी भी नहीं दी जा सकती। ऐसे कई क्षेत्र जहां हम अपनी फोर्सेज डिप्लॉय करते हैं, वहां पोटेंशियल एडवर्सरीज द्वारा ये हथियार इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इन चैलेंजेस का सामना करने के लिए हमारी फोर्सेस को प्रॉपर ट्रेनिंग देने की तथा ऐसी परिस्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह से वेल इक्विप्ड रहने की भी आवश्यकता है, ताकि वे केमिकल बायोलॉजिकल अटैक्स की सूरत में इफेक्टिवली तथा डिसाइसिवली सभी परिस्थितियों का सामना कर सकें। और मुझे यह जानकर भी बेहद खुशी हुई है कि डीआरडीए ने टॉक्सिक एजेंट्स की डिटेक्शन, प्रोटेक्शन तथा डीकंटेमिनेशन टेक्नोलॉजी भी डेवलप कर ली है, मैंने देखा भी है आज अपनी आंखों से, और डिफेंस इक्विपमेंट के प्रोडक्शन के लिए एक वाइड इंडस्ट्रियल बेस एस्टेब्लिश किया है, जिसका क्वालिटी कंट्रोल डीआरडीए के द्वारा ही किया जाता है। केमिकल बायोलॉजिकल एजेंट से सक्सेसफुल प्रोटेक्शन और डीकंटेमिनेशन के लिए उनका अर्ली डिटेक्शन भी बहुत जरूरी हो जाता है। और मैं कहना चाहूंगा, यह प्रशंसा की बात है कि कई डीआरडी डेवलप्ड प्रोडक्ट्स आर्म फोर्सेस द्वारा इस समय यूज भी किए जा रहे हैं, इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं।